गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे अवर सब्जेक्ट इज नॉलेज पावर एंड द टॉपिक इज चैप्टर 17 इंडियन मॉन्यूमेंट। सो स्टूडेंट्स, इंडियन मॉन्यूमेंट मतलब क्या होता है? हमारी सांस्कृतिक धरोहरें। सो पिक्चर ऑफ सम इंडियन मॉन्यूमेंट्स आर गिवन बिलो, कैन यू नेम देम, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्पलाइन। यहाँ पर कुछ इंडियन मॉन्यूमेंट्स का पिक्चर दिया हुआ है, आपको उसके नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट इज सांची स्तूप। ये कौन सा है? सांची स्तूप। सो स्टूडेंट, सांची स्तूप आपने नाम सुना होगा, है ना? ये कहाँ है? सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 43 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो तीसरी शताब्दी से हैं। ओके, सो दिस इज सांची स्तूप। नेक्स्ट इज लोटस टेम्पल। सो स्टूडेंट्स, लोटस टेम्पल का है दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस टेम्पल एक बाह्य उपासना मंदिर है, जहाँ ना कोई मूर्ति है न ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। लोग यहाँ आते हैं, शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण सन 1986 में किया गया था। एंड द थर्ड इज चार मीनार। चार मीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं में सूचीबद्ध है। ओके, देन गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक ऐतिहासिक स्मारक है। यह मुंबई के दक्षिण अरब सागर के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है हवा महल। हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राष्ट्रीय महल है, ठीक है। ये राष्ट्रीय महल है, आपने सेक्टर 2 में देखा भी होगा कि हवा महल बनाया गया था गणेश पंडाल में। इसे सन 1799 में राजपूत महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लाल चंदा उस्ताद द्वारा डिज़ाइन किया गया था। उसके बाद है अक्षरधाम मंदिर। नई दिल्ली में बना स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामीनारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया था। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर दुनिया होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। उसके बाद है रेड फोर्ट, लाल किला। भारत में 200 वर्षों से ज़्यादा शासन करने वाले मुगल साम्राज्य के 5वें शहंशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरण कर रहे थे, ऐसे में दिल्ली आने से पूर्व शाहजहां ने अपना किला बनाने का आदेश दे दिया था। और लाल किला में क्या किया जाता है? हर साल यहाँ पर झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन। ओके, उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर के 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। ये दरवाज़ा बहुत ही ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद है ताजमहल। ताजमहल भारतीय शहर में आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया था। ताजमहल सालाना 7-8 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करता है। ताजमहल किससे बना है? संगमरमर पत्थर से बना है। और शाहजहां को ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बीवी मुमताज की याद में बनाया था, ठीक है। ये ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर पत्थर से। ओके स्टूडेंट, सो आपको लोगों को इंडियन मॉन्यूमेंट समझ में आ गया है? आई विल सेंड यू द पीडीएफ फॉर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट बाय टुमारो। थैंक यू।